तो ये पूरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है, ये मैंने आपके ग्रुप में भेजा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर। सो लेट सोल्व दिस। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, दैट विच मेथड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द बॉटम रोज ऑफ अ सीरीज और अ डेटा फ्रेम। सो बॉटम से जो आपको रोज मिलती है वो किससे मिलती है, हमको टेल फंक्शन से मिलती है, इट इज़ वेरी इजी। हेड फंक्शन से हमको टॉप रोज मिलती है, और रीनेम फंक्शन से किसी सीरीज या डेटा फ्रेम के जो कॉलम्स होते हैं उनको हम रीनेम कर सकते हैं। रीनेम क्या काम आता है, जो आपके कॉलम्स हैं, जो आपके इंडेक्सेस हैं, उनको रीनेम करने के लिए ये यूज आएगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड, दैट इज टेल, दिस इज ऑफ 1 marks। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड प्लॉटिंग फंक्शन इन पी वाई प्लॉट। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि CBSE ने इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, और जो एक एक दो दो मार्क्स के ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली भी, इस वजह से ऐसी प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। और चूंकि एक सिंगल लाइन में उसका आंसर है, तो वो सिंगल लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपने जरा सी भी उसमें गलती की, कोमा की या स्पेलिंग की या सिंगल कोड की या ब्रैकेट की, तो आपके मार्क्स कटेंगे। अब एक नंबर का वो क्वेश्चन है तो मार्क्स कटेंगे, तो आधा नंबर कटेगा। दो जगह गलती कर दी तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो लाइन जो आप लिखें वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए हर एक आस्पेक्ट में। तो उसको थोड़ा रफ टाइप नहीं लिखें, बिल्कुल फेयर करके लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें, तभी जाके आपके 1 में से 1 marks आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड फ्लोटिंग फंक्शन। सो प्लॉट तो हम यूज़ करते ही हैं, कौन से चार्ट के लिए यूज़ करते हैं इसको, लाइन चार्ट के लिए। बार एच हम यूज़ करते हैं अगर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमको चाहिए। बार वी यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बार फंक्शन होता है वही वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ करता है। सो बार वी करके कोई फंक्शन नहीं है। हिस्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। सो सिंपल द आंसर इज बार वी। सो आंसर 2 इज सी, बार वी। ओके, सो दिस इज नॉट अ प्लॉटिंग फंक्शन। राइट अ स्मॉल पाइथन कोड टू इंसर्ट अ रो इन फॉलोइंग डेटा फ्रेम df एट इंडेक्स लोकेशन 2। अब देखिए, इंडेक्स लोकेशन 2 पर हमको कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो अगर आपको जाना पड़ेगा डिजायर्ड लोकेशन पे कोई रिकॉर्ड, ठीक है, तो उस लोकेशन पे हमको जाना पड़ेगा। सो df.log2 मतलब सेकंड इंडेक्स पे मुझे इसको इंसर्ट करना है, और फिर जो आपका रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को आप डाल दीजिए, जो भी सैंपल रिकॉर्ड है, ठीक है। तो लॉग फंक्शन को यूज़ करके जिस इंडेक्स पे आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है वो इंडेक्स पोजिशन हम यहाँ पर देंगे। राइट द कमांड टू एड अ न्यू कॉलम AS2 विथ ऑल द वैल्यूज AS65 इन द फॉलोइंग डेटा फ्रेम नेम एज df। नया कॉलम एड करना है AS2 करके, ठीक है। तो अगर आपको लास्ट में कॉलम एड करना है तो सिंपल आप df और फिर डबल कोट, देखिए ये डबल कोट्स, कई बच्चों ने ये डबल कोट यूज़ नहीं किया, और देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है यहाँ पर, तो स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना है हम। कई बच्चे यहाँ पर इस ब्रैकेट को अजीबोगरीब तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का यहाँ पर सिग्निफिकेंस है, तो ब्रैकेट जो ब्रैकेट आपको यूज़ करने के लिए कहा जा रहा है वही ब्रैकेट यूज़ करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना है। सो df डबल कोट्स AS2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा इक्वल टू 65। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लास्ट में ही कॉलम को ऐड करता है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर ये तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू लास्ट में कॉलम ऐड होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता है बीच में कहीं पर आपको कोई भी कॉलम ऐड करना है, जैसे यहाँ पर आपको बीच में रो ऐड करनी थी तो लॉग फंक्शन से हमने की थी, लेकिन अगर कॉलम ऐड करना है देन यू कैन यूज़ द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट में आप सबसे पहले वो पोजीशन देते हैं जिस पोजीशन पे आपको उसको ऐड करना है। कई बच्चों ने ये तो लिख दिया कि AS2 कॉलम ऐड करना है और कौन सी वैल्यू हमने दी है, तो ये वैल्यू क्या है, 65 क्या हुई यहाँ पर, स्केलर वैल्यू हुई। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो नया कॉलम ऐड होगा तो उसमें पहले से जितनी वैल्यूज़ होंगी वहाँ पर सब जगह पर 65 हो जाएगी, और अगर आप अलग अलग वैल्यूज़ चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आप अलग अलग वैल्यूज़ भी दे सकते हैं हर एक कॉलम के लिए। जैसे आप चाहें कि ये AS2 कॉलम जुड़े, अब इसमें जो है 35 आए, इसमें 25 आए, या जो भी आए, तो उन सारी वैल्यूज़ को आप स्क्वायर ब्रैकेट एज ए लिस्ट बना के उसको आप दीजिए, तो वो सब पे सेट हो जाएगा। और अगर स्केलर वैल्यू देंगे तो वही कॉमन वैल्यू सारे जो रोज़ हैं उन सारी रोज़ में जाएंगी। इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे अगर स्पेसिफिक लोकेशन में कॉलम को ऐड करना है। तो वन क्यों लिखा है यहाँ पर,
क्योंकि देखिए ये पहला कॉलम है तो इसका इंडेक्स क्या है मेरे पास, जीरो है, तो दूसरा कॉलम जो आएगा उसका इंडेक्स क्या होगा, वन। तो यहाँ पर इंडेक्स पोजिशन दी है मैंने वन, कॉलम का नाम क्या रखना है और क्या वैल्यू देना है। वापस से स्केलर वैल्यू दी है तो ये रिपीट होगी, अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर भी एज ए लिस्ट आप मल्टीपल वैल्यूज़ को दे सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं। इन पांडाज एस इज़ अ सीरीज विद द फॉलोइंग रिजल्ट, एक सीरीज बनाइए पी डी डॉट सीरीज और ये उसकी वैल्यूज है। द सीरीज ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली इंडेक्स एज 0, 1, 2, 3, 4, ये तो बिल्कुल सही है। अगर आपने इंडेक्स इक्वल टू करके नहीं दिया तो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है वो ये इंडेक्स उसका सेट कर देगा। राइट स्टेटमेंट टू असाइन द सीरीज एज दिस इंडेक्स एक्सप्लिसिटली, देखिए एक्सप्लिसिटली का मतलब यूजर इसमें दे इंडेक्स। तो कई बच्चों ने क्या किया, इसी लाइन को दोबारा लिख दिया और इसमें इंडेक्स इक्वल टू करके नया इंडेक्स लिख दिया। लेकिन बच्चों वो तो वो बात हो गई जब आप नई सीरीज क्रिएट करेंगे। अब ये सीरीज क्रिएट हो चुकी है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्स है, उसके बाद में आपको इंडेक्स को चेंज करना है ए बी सी डी ई में, बात समझ में आई। तो बाद में आप इस तरीके से एस डॉट इंडेक्स और फिर जो नए जो इंडेक्स है उनको आप दे सकते हैं। ऐसा काम आप डेटा फ्रेम में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो इंडेक्स जो एट्रीब्यूट है इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके नए इंडेक्स आप सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो नए इंडेक्स आप देंगे उनकी जो संख्या है वो संख्या उतनी होनी चाहिए जितने इंडेक्स उसमें रिक्वायर्ड है। अगर इनको आप चेंज करेंगे, अगर जैसे 5 इसमें चाहिए, अगर आप यहाँ पर 6 देंगे, 7 देंगे या कम देंगे, 4 देंगे, तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट एन एरर। ऐसा नहीं है कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इसमें है, अब मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला जो 4 है वो तो वही रह जाए, शुरू सिंपल शुरू के मुझे 4 चेंज करने, तो ए बी सी डी तक मैं दे देता हूँ और इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो लास्ट वाला 4 ही सेट रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा, आपको जो है ठीक है एस डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट को जब यूज़ करेंगे तो पांचों जितनी आपके पास रोज हैं उतने ही इंडेक्स हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सुमन वॉन्ट्स टू डिस्प्ले द लास्ट 3 रोज ऑफ अ डेटा फ्रेम df, सो इट्स वेरी सिंपल, राइट पाइथन कोड टू डू द सेम। सो इट्स वेरी सिंपल, df.tell3, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है डॉट टेल जो फंक्शन है ये आप सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। टेल फंक्शन इज बेसिकली यूज टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द बॉटम एंड हेड फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द रिकॉर्ड फ्रॉम द टॉप साइड। और अगर इसमें आप कोई ये नंबर नहीं देते हैं अंदर, जैसे आप सिंपल टेल फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे विदाउट एनी वैल्यू, तो कितने रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट होंगे इसमें? सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसकी कितनी होती है हमारे पास, 5 होती है। हमको यहाँ पर 3 रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, लास्ट 3 रोज, सो सिंपली वी हैव टू राइट df.tell3। कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड राइट द आउटपुट, आउटपुट निकालना है बच्चों। इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी के इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, तो ये एक सीरीज बनाइए जिसके अंदर ये डेटा एलिमेंट उसके हैं। आपने चूंकि यहाँ पर इंडेक्स नहीं दिया है तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि 5 एलिमेंट है। फिर इसी के सीरीज से हमने क्या बना दी, एस सीरीज बन गया, मतलब एस सीरीज भी वैसी की वैसी बन जाएगी। जब आप एस को प्रिंट करेंगे तो आपको आउटपुट वर्टिकल लिखना है इस तरीके से, 2, 4, 6, 8, 10, ये डेटा एलिमेंट है और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4। अधिकतर बच्चों ने ये सही किया है, सो नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर इंडेक्स इक्वल टू करके आप देते तो जो इंडेक्स आप देते वो इंडेक्स यहाँ पर आता। राइट द वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉटेड बाय फॉलोइंग प्लॉट फंक्शन, सो प्लॉट फंक्शन इज यूज टू प्लॉट द लाइन चार्ट। सो इम्पोर्ट मेट प्लॉट लिप डॉट पी वाई प्लॉट एज पी एल टी इंग्लिश मार्क्स इक्वल्स टू दिस एंड पी एल टी डॉट प्लॉट दिस। सो वैसे जो आप प्लॉट फंक्शन यूज़ करेंगे, चाहे प्लॉट यूज़ करें चाहे आप बार चार्ट यूज़ करें, दोनों में हमको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यहाँ पर एक्स कोमा वाई ऐसे कुछ आना चाहिए, दो लिस्ट आपको देना चाहिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्लॉट एक ऐसा फंक्शन है, बार के अंदर तो दो आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है, दोनों एक्सेस की वैल्यूज देना जरूरी है। लेकिन प्लॉट फंक्शन आपको थोड़ी सी ये लिबर्टी देता है कि यहाँ पर एक एक्सेस की वैल्यू आप दे सकते हैं और जो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिखते हैं वो वाई एक्सेस की वैल्यू को वो ट्रीट करता है और एक्स एक्सेस की वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दिस ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा जितनी आपकी लिस्ट की वैल्यूज़ हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो 5 वैल्यूज़ यहाँ पर हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू तो यही होगी जो कि यूज़र ने दी है।
सो सिंपल एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और वाई एक्सिस की वैल्यू जो यूजर ने प्रोवाइड की है. राइट पाइथन कोड टू ड्रॉ द स्टैक्ड टाइप हिस्टोग्राम फॉर फॉलोइंग. तो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू आपको दी गई है. सिंपल plt.hist फंक्शन को आप कॉल करेंगे और इस तरीके से आप देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में x, y. ये ध्यान रखना है, यहाँ पर x, y नहीं लिखेंगे, ये आपको एज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट देना पड़ता है. मैंने आपको बताया था हिस्टोग्राम में जब मल्टीपल प्लॉटिंग भी करनी हो तब भी लिस्ट ऑफ लिस्ट चलेगी, या नॉर्मल x और y कोऑर्डिनेट है तो इस तरीके से लिस्ट में आप x, y लिखेंगे. और हिस्ट टाइप चूँकि स्टैक्ड रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हिस्टोग्राम को ड्रॉ करता है, वो स्टैक्ड नहीं होता. स्टैक्ड का मतलब एक के ऊपर एक वो उसकी बार बन जाती है, ठीक है. सो हिस्ट टाइप इक्वल्स टू स्टैक्ड. सो ये एक लाइन लिखेंगे और एक नंबर इसका है. राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिलीट द थर्ड एंड फिफ्थ रो ऑफ द डेटा फ्रेम df. अब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है. देखिए डिलीट के लिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शन बताए थे, एक तो फंक्शन है आपका डेल और एक फंक्शन है ड्रॉप. डेल फंक्शन जो होता है वो आपका वैल्यू के ऊपर काम करता है कि आप वो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू डिलीट होती है. लेकिन चूंकि थर्ड और फिफ्थ रो, देखो इसमें भी कई बच्चों ने गलती की है, डिलीट द थर्ड एंड फिफ्थ रो. तो थर्ड रो का मतलब है जिसका इंडेक्स 2 है, फिफ्थ रो का मतलब ये है कि जिसका इंडेक्स 4 है. अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिलीट द रो हैविंग द इंडेक्स थर्ड एंड फिफ्थ, तो वो इंडेक्स ही होता. लेकिन यहाँ पर है थर्ड एंड फिफ्थ रोज, मतलब ये उनकी लोकेशन है, इंडेक्स नहीं है. तो इंडेक्स उसका एक पीछे होगा, मतलब जिस रो का इंडेक्स 2 है और जिस रो का इंडेक्स 4 है उनको मुझे डिलीट करना है. तो सिंपल अगर आपको इंडेक्स के बेस पर डिलीट करना होता है देन यू कैन यूज द ड्रॉप फंक्शन. तो df.drop2 एंड df.drop4. एनी डाउट इन दिस? सिमिलरली अगर आपको कॉलम को ड्रॉप करना है तो क्या करेंगे इसमें? अगर मैं कहूँ कि सेकेंड इंडेक्स का कॉलम ड्रॉप करना है तो क्या करूँगा? आई थिंक काम करना चाहिए. ड्रॉप जो है वो दोनों में यूज होता है. देखिए ये डेटा फ्रेम का ड्रॉप फंक्शन, इसमें देखिए एक्सेस लेबल है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि हम एक्सेस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको क्या करनी है, उसकी रो को ड्रॉप करना है. डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी? 0 है. तो 0 मतलब इंडेक्स पे काम कर रहा है, 1 लिखेंगे तो कॉलम पे काम करेगा, ठीक है. तो देखिए ये है df.drop bc एक्सेस इक्वल्स टू 1. तो b और c नाम का जो कॉलम है वो डिलीट होगा. देखिए ये डेटा फ्रेम था abcd, उसके अंदर ये वैल्यूज़ थी. अब b और c को ड्रॉप करना है तो सिंपल आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉलम्स इक्वल्स टू बी सी. जैसा आपने जो रीनेम फंक्शन था उसमें भी अगर आप एक्सेस नहीं देते तो कॉलम्स इक्वल्स टू डायरेक्ट आप लिख दीजिए ड्रॉप अ रो. तो रो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक साथ अगर ड्रॉप करनी है, ठीक है. देखो ये भी इंपॉर्टेंट मुझे मिला, df.drop0, 1, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आप दे दीजिए. तो मल्टीपल रोज एक साथ अगर आपको ड्रॉप करना है तो ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया है जैसे df.drop2 और df.drop4, तो दोनों अगर एक साथ करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? df.drop फिर ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 2, 4, ठीक है. और इसी तरीके से अगर इन दोनों कॉलम को डिलीट करना है तो लिखूंगा मैं यहाँ पर, तो क्या लिखूंगा? df.drop और फिर 2, 4 एक्सेस इक्वल्स टू 1, ठीक है. तो कॉलम के लिए भी ड्रॉप जो है वो दोनों में काम करेगा, आपका कॉलम के लिए भी और ऐसे भी काम करेगा. कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम, df1 दिया हुआ है, df2 दिया हुआ है. टू रीनेम द कॉलम मार्क्स 1 एज स्कोर 1 इन बोथ डेटा फ्रेम df1. तो बोथ मैंने हालांकि बाद में कटा दिया था. सो df1 में जो मार्क्स 1 नाम का कॉलम है इसको रीनेम करना है. तो रीनेम के लिए तो रीनेम फंक्शन हम यूज़ करते हैं. रीनेम को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, रो को चाहे रो इंडेक्स को रीनेम करना हो या आपको कॉलम इंडेक्स को रीनेम करना हो, दोनों के लिए हम रीनेम को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. दोनों में काम करेगा. ये देखिए रीनेम फंक्शन, तो दोनों में काम करेगा. इसमें इंडेक्स इक्वल टू आप करके जीरो या सॉरी एक्सेस इक्वल्स टू करके आप जीरो या वन के लिए कर सकते हैं. जीरो आपका इंडेक्स के लिए, वन आपका कॉलम के लिए.
तो मल्टीपल वेज इसको यूज़ करने के लिए है df.rename इंडेक्स इक्वल टू करके आप दे दीजिए, एज ए डिक्शनरी हमको देना पड़ेगा। डिक्शनरी में पुराना नाम देंगे और फिर नया नाम उसकी वैल्यू के तौर पे देंगे। तो की में आपको देना है पुराना नाम और वैल्यू में देना है आपको नया नाम। इस तरीके से आप जो डिज़ायर्ड चेंजेस हैं उनको कर सकते हैं। और अगर कॉलम्स में करना है तो कॉलम्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं देते हैं तो आप एक्सेस इक्वल्स टू यूज़ करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ये लिस्ट ये डिक्शनरी दे दीजिए फिर एक्सेस इक्वल्स टू ज़ीरो या वन दे सकते हैं, जिसके अंदर भी आपको चेंजेस करना है। इन प्लेस को यूज़ कर सकते हैं आप ताकि उसी डेटा फ्रेम में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हों। ठीक है, नहीं भी यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं है। सो df.rename columns equals to फिर डिक्शनरी में पुरानी और नई वैल्यू इन प्लेस equals to true। ये कोई ज़रूरी नहीं है देना, लेकिन अगर आपने दिया और गलत दिया तो उसमें मार्क जरूर कट जाएंगे। कई बच्चों ने ट्रू में जो है वो टी को जो है छोटा लिखा तो उसके मार्क्स मैंने काट लिया। सो ट्रू या फॉल्स जब आप लिखेंगे तो टी और एफ जो है वो हमारा कैपिटल होना चाहिए। सो बच्चों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं भाई नया कॉलम ऐड करना, कॉलम को डिलीट करना, कॉलम का नाम को चेंज करना। अब तो चूंकि बच्चों ये जो एडवांस ऑपरेशन थे वो सिलेबस में से हट गए हैं, पिवोटिंग हट गई है, ये सारी शॉर्टिंग वोटिंग हट गई है, तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है हमारे लिए। इनको तो अच्छे से प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। Given the following series object, this is S1, this is S2, what we are doing S1 plus S2. तो आपको क्या रखना है, S1 plus S2 करेंगे तो S1 के जितने इंडेक्स हैं और S2 के जितने इंडेक्स हैं वो सारे इंडेक्स आ जाएंगे। जो इंडेक्स मैच करेंगे दोनों के उनकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे, और जो इंडेक्स मैच नहीं करेंगे वहाँ पर नॉन वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको फटाफट से मैं प्रैक्टिकल करके ओके तो ये आ रहा है, इसमें नंबर होंगे तो ऊपर ही ऊपर आ जाएंगे, अल्फ़ाबेट्स उसके नीचे चले जाएंगे, लेकिन शॉर्टिंग यही होगी। मतलब ऊपर अगर इसमें मैं 30 भी लेता हूँ यहाँ पर और नीचे मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ तब भी 10 ऊपर ही आएगा उस। तो पहले नंबर्स ले लेगा, नंबर्स की शॉर्टिंग कर देगा, फिर जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो शॉर्टिंग हो जाएगी। और ये सी से मतलब नहीं, अगर ये कुछ बड़ा नाम भी हुआ तब भी ये वहीं पे आएगा। देखो ये सी से है तो ये यहीं पे आए। तो कुल मिला के बात ये है कि ये शॉर्टिंग कर रहा है, यहाँ ये शॉर्टिंग करेगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो पहले न्यूमेरिक आ जाएगी, और अगर अल्फ़ाबेट्स हैं तो वो उसके नीचे आ जाएंगे। सो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा शॉर्टेड वे में आएगा, जो इंडेक्सेस हैं वो शॉर्टिंग वे में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें हमको सिंपल डेटा फ्रेम बनाना है, ये तो आपने बना ही दिया है, लेकिन ये भी एक दो बच्चों से नहीं बनाए। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को यूज़ कीजिए, जो कॉलम्स हैं उसको एज ए की यूज़ करो, जो उसकी वैल्यूज़ हैं वर्टिकल जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनको आप एज ए लिस्ट बना दीजिए। तो सबसे आसान है df1 इक्वल टू pd.dataFrame, देन कर्ली ब्रैकेट, दिस इज़ द की। सो की में मतलब पहला कॉलम आ गया, फिर जितनी भी इसकी वैल्यूज़ हैं वर्टिकल जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसकी एक लिस्ट बना दीजिए कॉलम लगा के, फिर कोमा, फिर दूसरा कॉलम आ जाएगा, फिर जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट बना दीजिए, फिर थर्ड कॉलम आ जाएगा, फिर कोलन, और फिर जितनी इसकी वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में। देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमको आउटपुट निकालना है। तो देखिए ये एक यहाँ पर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, क्योंकि बाहर लिस्ट है उसके अंदर डिक्शनरी है। सो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी इसको कहेंगे। इसमें देखिए रोल नंबर है, ये वैल्यूज़ हैं, नेम की वैल्यू ये है, मार्क्स की वैल्यूज़ ये हैं। अब ये जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है इससे डेटा फ्रेम बनाया df1, और इसके जो कॉलम रखें वो क्या रखें, रोल नंबर और नेम इसके कॉलम रखें। तो df1 को जब आप प्रिंट करेंगे मतलब एक डेटा फ्रेम आएगा जिसके कॉलम क्या रहेंगे, रोल नंबर और नेम रहेंगे। इनकी वैल्यूज़ यहाँ से ले लीजिए 125 श्याम कमल सीला, और चूंकि इसमें इंडेक्स आपने नहीं दिया है तो बाई डिफ़ॉल्ट 012 इंडेक्स आ जाएगा। नेक्स्ट में इसी जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है उससे डेटा फ्रेम हम बना रहे हैं, लेकिन इंडेक्स इसमें हम क्या दे रहे हैं, रोल नंबर नेम मार्क्स। तो चूंकि यूज़र यहाँ पर इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है तो यूज़र के इंडेक्स यहाँ पर जाएंगे रोल नंबर नेम मार्क्स, कॉलम इसमें रहेंगे रोल नंबर और मार्क्स जैसा इसमें लिखा है। तो मैंने यहाँ पर रोल नंबर एंड मार्क्स लिखा है, रोल नंबर 125, लेकिन देखो मार्क्स की जगह मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया, ये गलत मुझसे हो गया। यहाँ पर क्या आएगा 60, 70 और 30, ओके क्योंकि ये इसके मार्क्स।
सो दिस इज़ वेरी इजी. इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू राइट पाइथन प्रोग्राम टू ड्रॉ अ बार चार्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. तो बर्ड्स की डिटेल दी है, पॉपुलेशन की डिटेल दी है, बर्ड्स और पॉपुलेशन को मान कर हमको बार चार्ट ड्रॉ करना है. तो सिंपल एक्स एक्सिस में हम बर्ड्स की डिटेल को मान लेते हैं, वाई एक्सिस में हम पॉपुलेशन को मान लेते हैं, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए बार चार्ट हमको ड्रॉ करना है. सो इंपोर्ट मेटप्लॉट लिप डॉट पी वाई प्लॉट एस पी एल टी. एक लिस्ट बनाएंगे बर्ड्स को लेके, सारी बर्ड्स उसमें आ गई. एक लिस्ट बनाएंगे पॉपुलेशन, उसमें सारी पॉपुलेशन की डिटेल आ गई. और सिंपल पी एल टी डॉट बार कर दीजिए. एक्स एक्सिस में बर्ड रखना है तो इसको आगे लिखेंगे, वाई एक्सिस में पॉपुलेशन रखना है इसको पीछे लिखेंगे. और कलर जो भी, चूंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कलर है वो द कलर ऑफ द बार शुड बी ग्रीन, सो यूज़ द कलर इक्वल्स टू ग्रीन. कलर की स्पेलिंग के बारे में मैंने बता दिया, सी ओ एल ओ आर यूज़ करेंगे. सी ओ एल ओ यू आर किया तो मार्क्स कट जाएंगे. एक्स एक्सिस का लेबल बर्ड्स रखना है, वाई एक्सिस का लेबल पॉपुलेशन रखना है. सो पी एल टी डॉट एक्स लेबल बर्ड, पी एल टी डॉट वाई लेबल पॉपुलेशन, और टाइटल रखना है ये, और लास्ट में पी एल टी डॉट शो आपको फ्री में इसमें लिखना है. ठीक है, ये हम लास्ट में लिखते हैं. कई बच्चे ऐसे हैं जो कि छोटी छोटी गलतियां करते हैं, टाइटल की स्पेलिंग नहीं आ रही है, या एक्स लेबल जब लिख रहे हैं तो एक्स और लेबल के बीच में जगह छोड़ रहे हैं, पता नहीं किस लिए. एक्स लेबल एक पूरा एक टर्म है, पूरी एक एक साथ एक ही वर्ड है. ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक हमको नहीं करना है. ये बिल्कुल आसान है. जो स्टेटमेंट वन है वहाँ पर क्या लिखना है, टू प्लॉट द लाइन चार्ट इन स्टेटमेंट वन. तो एक्स और वाई यहाँ पर दिया हुआ है सिंपल, तो क्या करेंगे, पी एल टी डॉट प्लॉट. प्लॉट फंक्शन के थ्रू हम लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो पी एल टी डॉट प्लॉट, और दोनों कोऑर्डिनेट आप दे दीजिए एक्स कोमा वाई. और स्टेटमेंट टू में क्या करना है, इसका टाइटल सेट करना है, स्टेटस ऑफ वर्कशॉप. सो पी एल टी डॉट टाइटल स्टेटस ऑफ वर्कशॉप. ठीक है, तो ये आपके 16 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हुए, और ये पूरा सॉल्यूशन इसका है.